तो दोस्तों अगर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर रहे हो तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है। आपको कह सर ये कैसी बात कह दी आपने कि हम अपने बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, हम चाहे 10,000 पे करें चाहे 5,000 पे करें, तो इसमें इनकम टैक्स का क्या रोल है? दोस्तों एक लिमिट से ज्यादा अगर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर रहे हो तो उस केस में आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो गाइस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूं क्या ये लिमिट है और किन किन केसेस के अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल बने हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमेशा की तरह मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां पे आपको मिलती रहेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो सर जल्दी से बता दो कि मैं अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूं तो क्या मुझे वाक्य में इनकम टैक्स की तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है? दोस्तों इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से अगर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर रहे हैं 1,00,000 से ज्यादा की एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा, ये इनकम टैक्स लॉ कहता है। इनकम टैक्स लॉ के अंदर दोस्तों कुछ ऐसी कंडीशन आ चुकी है अब कि आपकी इनकम नहीं है तो भी आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी, जिसमें से एक कंडीशन यह है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। क्या? कि आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर रहे हो, यानी कि आपके थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट हो रही है, चाहे वो आपके खुद के घर की हो, आपके पड़ोसी के घर की हो, आप पे कर रहे हो, या फिर आप अपने ऑफिस की पे कर रहे हो, आपके थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट हुई है और आपने वो पेमेंट अपने बैंक अकाउंट से 1,00,000 से ज्यादा की पे करी है पूरे साल के अंदर, तो दोस्तों उस केस के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन सारी ट्रांजैक्शंस को दोस्तों चेक करता है, ट्रेस करता है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि आज के टाइम पे जितनी भी सारी ट्रांजैक्शन हमारे बैंक अकाउंट में हो रही हैं, वो सारी की सारी आपके पैन से कनेक्टेड है, पैन से लिंक है, क्योंकि बैंक अकाउंट हमारे पैन से लिंक है, आधार पैन आपस में लिंक है। तो इस चक्कर में जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसी चीज का अगर हम खर्चा भी कर रहे हैं, अगर हम बाहर घूमने भी जा रहे हैं, हम ग्रोसरी स्टोर पे जा रहे हैं, मतलब अगर हम कुछ भी खर्चा कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट से, तो गाइज वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपके पैन से लिंक है। उसमें से एक ये ट्रांजेक्शन है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ITR फाइल करने के लिए। देखिए वैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आपकी पूरे साल की टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, यानी कि आपकी टोटल इनकम कितनी 2,50,000 से ज्यादा है, या पूरे साल में आप 3,00,000 से ज्यादा कमाते हो न्यू रिजिम के अंदर, तो आपके लिए ITR फाइल करना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसी कंडीशन भी है जो कैश डिपॉजिट के ऊपर बनाई गई है, या फिर डिपॉजिट आप करते हो सेविंग अकाउंट में, TDS, TCS को लेकर है, और साथ में फॉरेन ट्रेवल। तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेसिकली ये जानना चाहता है कि जो पर्सन अपना पूरे साल का 1,25,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी इनकम 2,50,000-3,00,000 से तो ज्यादा होगी पूरे साल के अंदर। तो वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यही चेक करना चाहता है कि जो पर्सन 1,50,000-2,00,000 का बिजली का बिल तो पे कर रहा है लेकिन ITR फाइल नहीं कर रहा, तो उस केस में इसका मतलब उसकी इनकम ज्यादा होगी। और अगर आप ITR फाइल नहीं करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको लीगल नोटिस भेज सकता है। दोस्तों ये मैंडेटरी कंप्लायंस, ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई है ना ITR फाइल करने की, ये एक मैंडेटरी क्लॉज है। इसका मतलब अगर आप इसके अंदर आते हो तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। और इवन जब अपनी ITR फाइल करने बैठेंगे ना तो वहां पे भी आपको ऑप्शन देता है कि आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हो कि क्यों अपनी ITR फाइल कर रहे हो, कि भाई आपकी जो आपकी टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, या फिर आप इन सारे पॉइंट्स के अंदर कवर होते हो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। क्या पॉइंट? कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट 1,00,000 से ज्यादा है तो आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी, और नहीं करते हो तो इनकम टैक्स की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस जिस चीज का आपको ध्यान रखना है, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम केसेस में जो लोग भी खर्चा कर रहे हैं 1,00,000 से ज्यादा का, वो प्लीज अपनी ITR जरूर फाइल करें, क्योंकि उनसे पैन के साथ सारे ट्रांजेक्शन कनेक्टेड है आज के टाइम में, तो कुछ भी इनकम टैक्स से छुपाना मुश्किल है। और अपना AIS TIS जरूर चेक कर लें। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वेश्चन अगर आपका कुछ है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।